पाकिस्तानी फूड्स में आज मैं चिकन यखनी पुलाव बना रही हूँ और पहले मैं चिकन की यखनी बनाऊंगी जिसके लिए मैंने ये सारी चीजें ली हैं। मैंने 1 किलो चिकन लिया है और 1 पूरा लहसुन लेके इसे इस तरह छिल लिया है, 2 मीडियम साइज की प्याज लेके इसे बीच से काट लिया है और 1 टीस्पून नमक लिया, 2 टेबल स्पून साबुत धनिया लिया है, 1/2 टीस्पून लौंग है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च है, 7 छोटी इलायची है और 2 टेबल स्पून मैंने सौंफ लिया है। यखनी बनाने के लिए मैंने पतीली में पानी डाल दिया है। अब इसमें चिकन ऐड करूंगी। अब हम लहसुन प्याज और नमक ऐड करेंगे। अब हम ये सारे खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे। अब हम इसे ढक देंगे 15 मिनट के लिए। चिकन गल गई है और यखनी तैयार हो गई है। अब हम चिकन को यखनी से अलग कर लेंगे। उसके लिए मैंने ये सारी चीजें ली हैं। यखनी तैयार हो गई है जिसमें से हमने चिकन निकाल के ये रख लिया है और हम इसे छान के चावलों में ऐड करेंगे और 3 कप मैंने सेला बासमती चावल लिए हैं जो कि मैंने आधे घंटे से भिगोए हुए हैं। हरा धनिया, पुदीना और 2 चिकन क्यूब्स लिए हैं, 1 टीस्पून नमक लिया है। मैं बाद में चावलों को चेक करके फिर उसमें और ऐड करूंगी नमक अगर कम होगा। और 3 हरी मिर्चें ली हैं बड़ी, इसे बीच से काट लिया है और 2 मीडियम साइज की प्याज लेके इसे स्लाइस में काटा। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, ऑरेंज फूड कलर लिया है, केवड़ा वाटर है और 5 से 6 मैंने टेबल स्पून दही लिया। 1 दालचीनी ली है, 2 बादियान के फूल लिए हैं, 7 छोटी इलायची ली है, 1 टीस्पून जीरा लिया है और मैंने 3 तेज पत्ता लिया है। 1/2 कप ऑयल मैंने गरम कर लिया है। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। आधी प्याज हमने निकाल ली है। अब हम इसमें खड़ा गरम मसाला ऐड करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, इसे फ्राई कर लेंगे। अब हम हरी मिर्च, चिकन क्यूब्स और नमक ऐड कर रहे हैं। अब हम दही ऐड कर रहे हैं। अब हम चिकन ऐड करेंगे। अब हम इसमें यखनी ऐड कर रहे हैं। यखनी थी, अब हम इसमें 1.5 कप पानी ऐड करेंगे। अब हम इसे ढक देंगे, जब इसमें बॉयल आने लगेगा तब हम इसमें राइस ऐड करेंगे। इसमें नमक कम है, हम 1 टेबल स्पून और नमक ऐड करेंगे। इसमें केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे। अब हम इसे ढक रहे हैं, जब पानी चावलों का कम हो जाएगा तो हम इसमें कलर और चीजें ऐड करेंगे और दम पे रख लेंगे। इसमें हम कलर ऐड करेंगे और ये धनिया पुदीना और ये प्याज। अब हम इसे दम पे रख देंगे। यखनी पुलाव तैयार हो
चिकन की यखनी पुलाव रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, पाकिस्तानी फूड्स को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिएगा, कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।